आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है बात करेंगे एक ऐसे पेनी स्टॉक की जो थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में चला गया था करेक्शन चल रहा है अभी अगर राइट लेवल पर खरीदेंगे तो यह एक सेंट हो सकता है राइट टाइम पर सौ डॉलर तक पहुंच जाए हम बात कर रहे हैं पीबीए इंफ्रास्ट्रक्चर की यह स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी धूम मचा सकता है अभी पिछले चार दिनों से काफी तकड़ी गिरावट आ रही है क्या होंगे सपोर्ट लेवल और कहां पर इसको बाय करना चाहिए और वॉल्यूम अभी गिरते हुए इतने कम हो रहे हैं कौन बाय कर रहा है कौन नहीं बाय कर रहा है ये भी विश्लेषण करेंगे देखिए गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी तकड़ा पुश शुरू किया है तो इसके चलते हुए ये एक पेनी स्टॉक की तरह से आपको बहुत बढ़िया सेक्टर में बन रहा है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक मल्टीबैगर स्टॉक है अभी प्राइस गिर रहा है थोड़ा सा तो ये सही मौका है इसको एक्यूमुलेट करने का हम बात कर रहे हैं पीबीए इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की जो कि इंडिया के सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में स्पेशलाइज्ड है स्पेसिफिकली रोड बनाना हाईवे बनाना डैम्स बनाना रनवे बनाना और इसके अलावा ब्रिजेस एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी एग्जीक्यूट करते हैं प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर फंडामेंटली देखा जाए सिर्फ 19 करोड़ की कंपनी है डेली वॉल्यूम में देखेंगे तो करीब इकतालीस हजार शेयर हैंड एक्सचेंज होते हैं इसमें नए निवेशकों को समझना है पेनी स्टॉक में कभी कभी वॉल्यूम कम होने की वजह से जब ऊपर जाता है तो अपर सर्किट लगता रहता है जब नीचे आता है तो लोअर सर्किट लगता रहता है कभी भी दो से ज्यादा पेनी स्टॉक में निवेश मत कीजिएगा और हमेशा तीन अलग अलग लेवल पर आपको निवेश करना चाहिए ये स्टॉक कोविड का इंपैक्ट सेल्स पर पड़ा है डेफिनेटली 112 करोड़ से गिरकर 16 18 करोड़ की सेल रही है, 2021 में वहीं इन्होंने अपने ऑपरेशन एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया है और जहां लॉस मेकिंग यूनिट थी 2018 में डेप्ट को कम करके इन्होंने इसको प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया है प्रमोटर को देखें तो 57% की होल्डिंग लगा के रखे हैं और 45% पब्लिक के पास है ये पीए इन्फ्रा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पेनी स्टॉक काफी गिरा हुआ है और बोर्ड जोन होने की वजह से इसका टेक्निकल विश्लेषण करेंगे और क्या होंगे सही लेवल खरीदने के लिए वो बताएंगे टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से तीन की पैरामीटर आपको बताना चाहेंगे यहां पर आइए चलकर शुरुआत करते हैं तो यहां पर अगर हम सबसे बात करें पीपीए इंफ्रा आज का भाव बंद होते होते चौदह रुपए के आसपास बंद हुआ है जिसने एलिगेटर इंडिकेटर के दो लेवल को तो तोड़ दिया है, तीसरे लेवल पर सपोर्ट बैठा है। अगर ये कल भी इसके नीचे तो सेल सिग्नल जनरेट, जनरेट कर दिया है तो अभी ये थोड़ा और करेक्टिव मोड में आ सकता है सुपर ट्रेंड और आर दो आपके सबसे बड़े फ्रेंड है अभी यहां पर सुपर ट्रेंड सेल सिग्नल जनरेट कर रहा है और आपको एक चीज का ध्यान रखना है RSI जब भी 70 के ऊपर हो तो आप स्टॉक को मत खरीदिएगा स्पेशली पेनी स्टॉक पर देखिए आर एस आई सत्तर का लेवल था जब ये बारह सोलह रुपए के आसपास चल रहा था यहां पर तो ये खरीदने की जगह नहीं है यहां पर इनफैक्ट यहां पर कुछ लोगों को अगर लो लेवल पर खरीदा तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए देखिए ये यहां तक गया अठारह तक और उसके बाद में Continuously selling चल रही है इसमें और अभी चौदह रुपए के आसपास आ गया अपने उस लेवल से भी नीचे गिर चुका है तो ये बात आपको समझने वाली है, RSI एक important parameter होता है। दूसरा है ये बैंड के बाहर चला गया था ये आर के बेसिस पर भी ओवरबोर्ड जोन था और यहाँ पर बुलेंजर बैंड के बेसिस पर भी देखेंगे तो बहुत तकड़ा ओवरबोर्ड जोन था और यहां पर आर का वैल्यू 32, 34 के आसपास था जो उसने तोड़ दिया है अब अगला जो सपोर्ट बनेगा वो यहां पर बारह रुपए तैतीस पैसे के आसपास बनेगा ये सपोर्ट तो इससे पहले आपको इसको खरीदने की जरूरत नहीं होगी बैंडविड जब भी पच्चीस परसेंट के ऊपर हो तो मत खरीदिए वहां पर भी थोड़ा अवॉइड कीजिए ग्रोथ की दृष्टि से अगले छह साल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत स्पेंडिंग बढ़ेगी गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो डेप्ट की दृष्टि से भी देखा जाए इनको डेप्ट में थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि अभी टू इक्विटी रेशियो के आसपास है इनका तो ये डेप्ट हायर है और इक्विटी की वैल्यू बहुत कम है क्यों निवेश करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश गवर्नमेंट के लिए यहां पर आएगा जो कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के लिए दोनों के लिए अच्छा है क्योंकि गवर्नमेंट यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करेगी तभी आगे की उद्योगपति यहां पर अपनी फैक्ट्रीज लगाएंगे बहुत अच्छी वैल्यू बाय है हमारे हिसाब से और जब भी कोई नया टेंडर निकलता है तो ये इनके लिए बहुत अच्छी हो, अपॉर्चुनिटी होती है जैसे आपको पता ही होगा लखनऊ का एक्सप्रेस वे अभी बना था, कुछ टाइम पहले तो ये उसमें एक प्राइमरी कंटेंडर थे और उसको विन भी किया था उन्होंने वैल्यूशन दृष्टि से देखा जाए तो मार्केट करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है जो कि करंटली इकोनॉमिक पेस के साथ आपको कैच ऑन करने को मिलेगी चैनल का फायबल ध्यान रखिए

हमारे पेड मेंबर बनिए है फिफ्टी नाइन रुपीज के महज चार्जेस पर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको ट्रेनिंग करनी है तो मेल ड्रॉप कीजिए जय हिंद जय भारत बाय गाइस